मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज विकसित किए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा सहित 5 नगरीय क्षेत्रों किरंदुल, बचेली, गीदम, दंतेवाड़ा और बारसूर में इसके लिए जमीन चिन्हांकित कर कृष्ण कुंज पार्क बनाया गया है। कृष्ण कुंज योजना के अंतर्गत आम, गंगाबेर, शहतूत, फाइकस, कृष्ण कदम और पीपल, नीम, बरगद प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय निकायों में गणमान्य जनप्रतिनिधियों और जन सामान्य की गरिमामय उपस्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर इसका शुभारंभ किया गया। राज्य के सभी नगरीय निकायों में हरियाली बढ़ाने की पहल के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृष्ण कुंज वृक्षरोपण कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। ये जो कृष्ण कुंज है इसमें जितने भी परंपरागत वृक्ष हैं उसको जो है लगाया जाएगा, चाहे वो कदम्ब के हों, चाहे वो आपके पीपल के हों, बरगद के हों। इसका उद्देश्य जो है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो है धीरे धीरे कांक्रीटीकरण बढ़ता है, तो लोगों के लिए एक ग्रीन जोन रहे। एक वन जो एक एकड़ से कम नहीं, उसमें जो वहाँ का लोकल प्रजाति और लोकल जो भी पेड़ पौधे जो स्थानीय रूप से बहुत विलुप्त होता है और ये विलुप्त होता जा रहा है और जो विरल मिलता है बहुत अच्छा है, उसके बारे में लोगों को पता चलने के लिए रोपित करने के लिए रखा गया। हमारी एक छोटी सी कृष्ण कुंज एक छोटा सा बगिया रहेगा जिसमें बहुत सारे पौधारोपण किए जा रहे हैं और हमारे वन को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए